अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। भाई के हत्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करना बहन को भारी पड़ गया। उसका कहना था कि हत्या आरोपी बराबर उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है, रोज उन्हें धमका रहा है, कई बार शिकायत की गई लेकिन परतापुर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वहीं एसएसपी अजय सहानी मिलते नहीं हैं, जब तक एसएसपी नहीं मिलेंगे वह यहां से नहीं हटेंगे। इस पर पुलिस महिला को पकड़कर थाने ले गई जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि अनावश्यक दबाव बनाने के लिए महिला ने आज यह विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं महिला का कहना है कि पुलिस पैसा लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है, वहां कहां से पैसा लाए, क्या वह धंधे पर बैठ जाए। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र की कंगौल निवासी पाल शर्मा आज कुछ लोगों को लेकर पहुंची थी। कलेक्ट्रेट व एसएसपी ऑफिस के बीच ही इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और जाम लगा दिया। पाल का कहना था कि 1 अप्रैल 2019 को उसके भाई राहुल शर्मा की नोएडा में हत्या कर दी गई थी। यह हत्या हरेंद्र राठी व साथियों ने की थी। अब हरेंद्र राठी उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। सर, मेरे भाई राहुल की इकलौते की हत्या कर दी गई थी हरेंद्र राठी ने। रात को 2 बजे 4 बार सिलेंडर मारा, दाव मारा, आके फोड़ दी गई। बहुत बेरहमी से मेरे भाई की हत्या करी। हमें आके जो हरेंद्र राठी है, कभी तमंचा लगाता है, कभी कुछ करता है, फैसला करो, तेजाब डालने की मुझे धमकी दी जा रही है। मैं एक अकेली घेरलू दुखिया रही, जो हमने भाई को इंसाफ मानती डोल रही हूँ, पर बरतापुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मोटे पैसे ले लिए गए, फिर अजय सहानी तो कभी मिलते ही नहीं है, ये सब मिलते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक अजय सहानी नहीं आएंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे हमारी मूर्ति हो जाए, हमें मार दो, हमें इंसाफ है, मर के हमें इंसाफ मिलेगा। क्या सर, बदमाश लोगों से हम मर जाए, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, अब और हमसे नहीं सहा जा रहा, अब बहुत परेशान है पुलिस प्रशासन से, योगी सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। महिला हेल्प डेस्क खोल दी गई पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, पंडित परिवार है, बहुत परेशान है, माँ मेरी सदमे में पागल होगी, पिताजी मेरे वो बेकार हो गए, सर मैं अकेली करने वाला। इस बारे में सीओ सिविल लाइन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। परतापुर क्षेत्र की महिला है, परतापुर क्षेत्र की महिला, ये उसके उन्होंने कोई अभियोग पंजीकृत कराया था गाजियाबाद में और कई जगह पंजीकृत कराया, जिसमें कार्रवाई हो चुकी है। अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से गलत कृत्य करने के लिए आज कचहरी में उन्होंने धरना देना और जाम लगाया, अनावश्यक रूप से यातायात बाधित करा, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा और इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा। थाने में मौजूद पायल शर्मा ने मीडिया को यह बताया। सर, हम हर रोज बराबर परतापुर थाने में जा रहे हैं, हर रोज हम एसएसपी ऑफिस आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऐसे लेके धरी जाए, एप्लीकेशन ऐसे लेके धर लेते हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे। आज जब हम धरने पे बैठे हुए थे, किसी की माँ और किसी की बेटी के साथ ऐसा करा जाता है, जैसे अमित कुमार राय ने कहा था कि माधव चौधरी को बैठा गाड़ी में। सर, इस तरीके से लैंग्वेज से बात करी जाती है क्या? किसी की बहन है हम, किसी की बेटी है, पुलिस वालों को वो लोग पैसे दे देते हैं तो उनकी कार्रवाई हो रही है, मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? क्या धंधे पर बैठ के पैसा लाऊँ? बताइए मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, बताइए मैं किस जगह धंधे पर बैठूँ? एक पंडित की बेटी हूँ मैं, ब्राह्मण की बेटी हूँ, मेरे साथ इतना अत्याचार। भाई का नाम राहुल शर्मा। और हुई कहाँ पे हत्या उसकी थी? सर, ये हुई थी नोएडा। कब? और सर, इसमें 1 तारीख हुई थी, 1 अप्रैल 2019 में, तब से ही हर रोज बराबर परतापुर थाने में जा रही हूँ। तो किसी किस तारीख की मांग कर रहे हो? सर, हरेंद्र राठी जिसने सिलेंडर मारा भाई के, शाम को सोते वक्त 4 बार तो सिलेंडर मारा, दाव मारा, आंखें फोड़ दी गई। और कुछ महिला पुलिस की इस तरीके से बदतमीजी से बर्ताव कर रही थी, मेरी बहन के इस तरीके से धक्का मारा कमर में और इस तरीके से व्यवहार कर रही थी। अब आइए हम मारे, अब क्या चाह रही हो? नहीं, हमें मारना चाहते है ना, तो मार दो। तुम्हारी तो चाहते हैं, तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम्हारी डिमांड, हमारी डिमांड है, हम हरेंद्र राठी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, तेजाब डालने की धमकी दे रहा है। बराबर सीओ के पास 10 बार गई हूँ, कैमरे ऑन कराए जाए और देखा जाए सीओ के पास मैं कितनी बार गई हूँ। हर रोज मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठी, कहाँ से किराया लाऊं, कहाँ से पैसा लाऊं, माँ मेरी सदमे में पागल है। और सीओ इस तरीके से बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ना करी जाए कि बैठाओ साली को, क्या घरवाली लगते हैं हम सीओ की, जो इस तरीके से बात की जाएगी हमसे। हालांकि
हालांकि इस संपूर्ण प्रकरण में आपसी लेन देन का विवाद भी सामने आया है। इस बारे में जैसा सीओ ने कहा, कई और मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को प्रेस करना ना।